अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू ORCC 2.0। तो बेटा आज के इस सेशन में हम आपके लिए एक बहुत ही हाई वेटेज और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाए हैं जिसका नाम है ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पर्टिकुलरली एग्जाम में डेरिवेशंस पूछी जाती है, भले ही वो आपकी मिरर फॉर्मूला हो, आपकी लेंस मेकर्स फॉर्मूला हो, आपकी प्रिज्म फॉर्मूला हो। ये सारी फॉर्मूलाज डिराइव करना बहुत ही सिंपल और आसान है। सो, ये चैप्टर आप आराम से कर सकते हैं। और ये चैप्टर जो है इसमें पर्टिकुलरली मैं आपको जो जो क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर में बैठे पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी इस मेहनत में मैं भी थोड़ी सी अपनी मेहनत ऐड करूंगा ताकि इंशाल्लाह आपके एग्जाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ऑप्टिक्स वाला। ऑप्टिक्स में पहली डेरिवेशन जो आपसे पूछी जाती है दैट इज मिरर फॉर्मूला, राइट? तो मिरर फॉर्मूला क्वेश्चन आता है, डिराइव मिरर फॉर्मूला फॉर ए कनकेव मिरर। बेसिकली मिरर फॉर्मूला क्या है? इट इज एक्चुअली अ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर, राइट? तो जब भी हमने अब डिराइव करनी है ये, हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, कुछ साइन कन्वेंशन तो आपको पता होनी चाहिए व्हाइल डिराइविंग द मिरर फॉर्मूला। पहला कन्वेंशन जो आपका चलेगा वो ये है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सारी डिस्टेंसेस जो है वो मिरर्स के पोल से मेजर की जाएंगी। मान लो ये आपका अगर मिरर है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल होता है, तो सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर होती है? पोल से स्टार्ट करना होता है डिस्टेंस मेजर करना। दूसरा कन्वेंशन जो आपका चलेगा वो ये है कि लाइट, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं वो आपको पॉजिटिव लेनी पड़ेंगी। और लाइट, इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट जो डिस्टेंसेस होती है वो आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी। हो गए दो कन्वेंशंस। तीसरा कन्वेंशन, प्रिंसिपल एक्सिस के एबो जो हाइट्स है, हाइट्स एबो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव and heights below the principal axis are taken as negative. So all the three conventions are written over here. अगर आप देखेंगे तीनों conventions आपको ऐसे ही exam में लिखने पड़ेंगे। पहला, all distances are measured from the pole, distances pole से measure करनी है, distances measured in the direction of light are taken positive and opposite to the direction of light are taken as negative. And third important, heights above the principal axis are taken positive and heights below the principal axis are taken negative. और ये आपकी प्यारी सी मिरर फॉर्मूला जो आपने डिराइव करनी है। सो लेट अस डिराइव दिस फॉर्मूला, ठीक है? इसको डिराइव करना सीखते हैं, कैसे डिराइव करेंगे। तो हम डायरेक्टली नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। तो ऑलरेडी एक डायग्राम यहां पे मौजूद है, आपके पास एक मिरर है, एक कनकेव मिरर बनाया गया है। मिरर के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट ओ रखा है, ये वाला पॉइंट पोल कहलाता है, सी इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन गुजरती है हमें पता है वो मिरर को नॉर्मल होती है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये वाली लाइन जो है इट इज नथिंग बट नॉर्मल टू द मिरर। ये नॉर्मल है मिरर के लिए। पॉइंट ओ आपका ऑब्जेक्ट है और इस पॉइंट ओ से पर्टिकुलरली अब हमने देखनी है इमेज कहां बनेगी। इमेज बनाने के लिए हम दो रेज डालते हैं, दो रेज कम से कम होनी चाहिए ताकि इमेज बना सके। एक रे डायरेक्टली यहां से जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, रिफ्लेक्ट होके बराबर वापस आएगी, तो ये पहली रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। और दूसरी रे यहां से जाएगी, रिफ्लेक्ट होके यहां आएगी। सो पहली वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे आई पॉइंट पे मिल गई, जिसको हमने नाम दिया इमेज। सो ओ इज द ऑब्जेक्ट, आई इज द इमेज, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पी इज पोल ऑफ द मिरर, राइट? अब हम इसको कैसे डिराइव करेंगे? हमें पता है कि जो अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल होता है दो इनर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। यानी अगर मैं यहां पे यहां 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 अगर मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, सपोज मैंने एक ट्रायंगल यहां पे लिया है, अगर ये एंगल वन है ये एंगल टू है, दो इनर एंगल्स का सम एक्सटीरियर ऑपोजिट एंगल के बराबर होता है। सो अगर ये एंगल थ्री है, सो व्हाट आई कैन राइट, आई सिंपली हैव टू राइट एंगल वन प्लस टू प्लस एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री। यही चीज मैं यहां यूज करूंगा। तो सबसे पहले
हम पहले ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ओ ए सी वाला ट्राइंगल मैं चूज करूंगा। सो इन ट्राइंगल ओ ए सी, इसमें हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू गामा, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू गामा, सम ऑफ टू इनर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। और उसके बाद दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे इन ट्राइंगल सी ए आई, ये वाला ट्राइंगल हम लेंगे सी ए आई वाला ट्राइंगल सी ए आई। तो इस ट्राइंगल में भी हम लिख सकते हैं क्या, गामा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा। सो आई कैन सिंपली राइट गामा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा। इसमें मैं इलिमिनेट करना चाहता हूं ये थीटा, जो आपका ये एंगल ऑफ, मैंने ये भी थीटा रखा है ये भी थीटा, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, सो ये दोनों बराबर होंगे। मैं इनको इलिमिनेट करना चाहूंगा, उसके लिए हमने सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो इफ वी सब्ट्रैक्ट दीज टू टर्म्स, तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस थीटा माइनस गामा माइनस थीटा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, राइट। इन दो को सिंपली हमने सब्ट्रैक्ट किया और कुछ भी नहीं। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे थीटा और थीटा आपका इलिमिनेट हो जाएगा, बीटा को इस पार ले आएंगे तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके बराबर आएगा, गामा, गामा ऑलरेडी यहां पे और ये गामा भी इधर चला जाएगा, गामा प्लस गामा इज टू गामा। सो आपको एक रिलेशन मिल गई, सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पहले ये वाले ट्राइंगल को हम यूज करेंगे अल्फा प्लस थीटा इज गामा, फिर ये वाले ट्राइंगल को हम यूज करेंगे गामा प्लस थीटा इज बीटा, फिर उसके बाद इनका सब्ट्रैक्शन होगा ताकि थीटा इलिमिनेट हो जाए। अब देखिए ये जो एंगल्स है, ये अल्फा हो गामा हो बीटा हो, ये जो भी एंगल्स हो, ये स्मॉल होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसका एपर्चर स्मॉल लेते हैं। ये जो आपका मिरर होता है इसका एपर्चर स्मॉल होता है। एपर्चर स्मॉल होने का मतलब, अगर मान लो ये आपका एक बड़ा सा बड़ी बॉल थी, इसी का आपने एक मिरर काटा होगा, तो मान लो मैंने ये मिरर है हमारे पास, ये सपोज मिरर है, अगर मैं ये मिरर काटूंगा तो इसका एपर्चर बड़ा है, अगर मैं इतना ही रखूंगा बस ये वाला पार्ट जो आएगा ये, इसका एपर्चर छोटा हुआ, ताकि प्रिंसिपल एक्सिस से जब लाइट रेज आए उनके लिए एंगल स्मॉल बनेंगे। सो दीज आर पैराक्सियल रेज, सो एंगलो स्मॉल, शॉर्ट में याद रखना एंगलो स्मॉल है। तो जब एंगलो स्मॉल होंगे आई कैन सिंपली राइट, मैं अल्फा के बदले टैन अल्फा लिखूंगा, बीटा के बदले टैन बीटा, गामा के बदले टैन गामा, बिकॉज स्मॉल एंगल्स के लिए तो हम ऐसा लिख सकते हैं। सो कैन आई सिंपली राइट हियर टैन अल्फा प्लस टैन बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस टैन गामा, राइट। तो ये चीज हम लिखेंगे। लेकिन और एक पॉइंट यहां पे सीखने की बात है, चूंकि इसका एपर्चर स्मॉल है, इसका एपर्चर स्मॉल है, तो ये पॉइंट एम और पॉइंट पी जो है ये बहुत ही नजदीक है होंगे एक दूसरे को, है ना। सिंपल सी बात है, जब एपर्चर इतना छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, तो यहां से एक लाइन जो डलेगी और ये पॉइंट, ये दोनों सेम होंगे ना। सो सिंपली मैं कहना चाहूंगा एम और पी पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, तो जहां जहां एम हो वहां वहां पी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो डायरेक्टली व्हाट इज नाउ टैन अल्फा इक्वल, आप जरा बताइए, ए ओ एम वाला ट्राइंगल अगर आप देखें, ट्राइंगल ए ओ एम ये वाला ट्राइंगल अगर आप लेंगे, इसमें टैन अल्फा होगा परपेंडिक्यूलर बाई बेस, मान लो ये हाइट जो है इसको हम एच नाम दे रहे हैं, सपोज ये डिस्टेंस है एच, ये वाली हाइट आपकी एच हो गई। सो व्हाट इज टैन अल्फा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है h, सो कैन आई सिंपली राइट, यहां लिखा जाएगा आई विल सिंपली राइट tan अल्फा के बदले आएगा h बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, व्हाट इज बेस, ओ एम, लेकिन मैं ओ एम नहीं लिखूंगा, मैं ओ पी लिखूंगा, बिकॉज ओ एम और ओ पी ऑलमोस्ट सेम है, p और m पॉइंट्स ऑलमोस्ट आपस में नजदीक है, तो मैं अब क्या लिखूंगा, tan अल्फा आएगा शाबाश h बाई ओ पी, H बाई ओ पी। इसी तरह से tan बीटा क्या आएगा बताइए, tan बीटा ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल पकड़ो, tan बीटा आएगा H बाई आई पी, H बाई आई पी, और इसी तरह से ये बन जाएगा ट्वाइस। व्हाट इज नाउ tan गामा, क्या बता सकते हैं tan गामा क्या होगा, सिंपल है, बड़ा सिंपल है, tan गामा आएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर H, एंड व्हाट इज बेस, बेस है सी पी, राइट। सो ट्वाइस टैन गामा के बदले लिखेंगे हम एच बाई सी पी, राइट। अब देखिए यहां पे ये एच 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 आपका कैंसिल हो गया,
अब वन बाय ओपी, व्हाट इज ओपी? ओपी, ओ से पी तक की दूरी, ये क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर आप देखेंगे ओपी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बट लाइट ऐसे आ रही है, हमें यहां से जाना है ऑब्जेक्ट तक, यानी हमें लाइट के ऑपोजिट चलना है, तो हम यू लिखेंगे कि माइनस यू लिखेंगे? माइनस यू लिखेंगे। तो कैन आई सिंपली राइट वन बाय ओपी के बदले माइनस यू आएगा, राइट? प्लस वन बाय आई पी, आई पी वाली डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस है, वो तो वी है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं ये वी है, सो कैन आई सिंपली राइट वी, लेकिन वी लिखेंगे कि माइनस वी, हमें ऐसे आना है और लाइट ऐसे आ रही है, लाइट के ऑपोजिट हम चल रहे हैं, तो माइनस वी लिखना पड़ेगा। सो आई पी के बदले वन बाई माइनस वी, एंड दिस इज इक्वल टू डिवाइड बाई, और सी पी के बदले, सी से पी तक की दूरी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है आर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से कितनी दूरी पे है, दैट इज आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन वो भी माइनस इधर ही से आएगा, वो भी माइनस लेंगे, सो दैट इज माइनस आर, राइट? अब यहां पे ये माइनस 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 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो व्हाट वी हैव टू राइट, वी राइट वन बाई यू प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई आर बाई टू, ये टू को मैंने नीचे लाया, और आपको मालूम होना चाहिए जो पैरेक्जियल रेज होती है, जब एंगल्स वगैरह छोटे होते हैं, तो उस टाइम पे फोकल लेंथ होता है आर बाई टू, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ फोकल लेंथ हो गया, सो वन बाई यू प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई एफ। तो बेटा ये आपकी मिरर फॉर्मूला डिराइव हो गई। आई होप कि आपने अच्छे से समझा होगा। कुछ नहीं करना है, दो ट्राइंगल दो बार लेने, पहला वाला ट्राइंगल आपने ले लिया, ये वाला ट्राइंगल, इसमें अल्फा प्लस थीटा आया गामा, दूसरा ट्रायंगल आपने लिया गामा प्लस थीटा आया बीटा, उनके बाद उनको सब्ट्रैक्ट करना है, वहां से एक रिलेशन आएगी। एंगल छोटे हैं तो अल्फा के बदले टैन अल्फा, बीटा के बदले टैन बीटा, गामा के बदले टैन गामा आएगा, फिर डायरेक्टली टैन अल्फा का वैल्यू इस ट्रायंगल से, टैन बीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल से, टैन गामा का वैल्यू इस ट्रायंगल से, साइन कन्वेंशन साथ में लिखो, कैंसिलेशन कर लो, आपकी सिंपली मिरर फॉर्मूला डिराइव हो जाएगी। सो ये आपकी मिरर फॉर्मूला, राइट? अब हम देखिए, नाउ एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी रखा गया है, थोड़ा थोड़ा बेसिक छोटे क्वेश्चंस भी अगर आप साथ साथ करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल, बड़ा सिंपल सा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। आपके पास एक कनकेव मिरर है, वी हैव अ कनकेव मिरर हियर, इसकी फोकल लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर, और आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा है प्रिंसिपल एक्सिस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, सो दिस इज ऑब्जेक्ट ओवर हियर 30 सेंटीमीटर। हमने करना है, हाउ आई हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एंड नेचर ऑफ द इमेज, इमेज कहां बनेगी? देखिए यू और एफ पता है, वी निकालना है, बड़ा ही सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली यू लिखेंगे, बताइए यू कितना होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है, लेकिन लाइट ऐसे आएगी, हमें पोल से जाना है ऑब्जेक्ट तक, तो माइनस 30 लेंगे ना। अब याद रखो यू हमेशा माइनस ही होता है रियल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, यू हमेशा नेगेटिव ही होता है, तो सवालों में यू आप नेगेटिव ले लो, माइनस 30 ले लो। अच्छा, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, सो कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे, माइनस 10 लेंगे। अब हमें वी निकालना है, हम जानते हैं वन बाई यू प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई एफ। नाउ वन बाई यू, यू कितना आपका? माइनस 30 प्लस वन बाई वी, वी निकालना है, और एफ है वन बाई माइनस 10 के बराबर। तो बस थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो, इसको उस पार ले जाओ, सो व्हाट वी फाइंड वन बाई वी इज इक्वल, ये माइनस ऊपर ले लो, ये बनेगा माइनस वन बाई 10, और ये नेगेटिव है, ये उस पार जाके पॉजिटिव आएगा, यानी वन बाई 30 के बराबर। ठीक है ना, बड़ा सिंपल है, सिंपल। सो वन बाई वी जो आपका आएगा, इट इज माइनस 30 प्लस 10, यानी माइनस 20 डिवाइड बाई 300, 0 0 गया, सो वी रेसिप्रोकल कर लो, ये बन जाएगा माइनस 30/2, यानी माइनस 15 सेंटीमीटर की दूरी पे आपकी इमेज बनेगी, यानी पोल से आपको लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है, माइनस 15 पे जाना है, जहां पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। और आप जानते हैं ऑब्जेक्ट साइड से ही जब इमेज बनती है तो वो रियल इन्वर्टेड होती है, तो ऑब्वियसली व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, राइट? तो चलिए, आपकी मिरर फॉर्मूला हमने कंप्लीट की, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो घर में। नाउ अब आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
जो बोर्ड एग्जाम्स में आप 100% एक्सपेक्ट कर सकते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में, एंड दैट इज नथिंग बट लेंस मेकर्स फॉर्मूला। सो अब आपने लेंस मेकर्स फॉर्मूला को डिराइव करना है। अभी आपने मिरर फॉर्मूला डिराइव की, अब हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, ठीक है? चल, तो सबसे पहले हम एजम्पशंस इसमें कुछ लेते हैं, कुछ चीजें आपने एज्यूम करनी है। क्या पॉइंट ये लिखना आपको एग्जाम्स में लिखना पड़ेगा साथ में। पहला एजम्पशन जो है, लेंस थिन आप लेंगे, लेंस थिन लेना, ये थिक मोटा नहीं चलेगा, थिन लेना। सो थिन लेंस आपको लेना है, और सारी डिस्टेंसेस आपको कहां से मेजर करनी है, ये वाला पॉइंट जो है इसको ऑप्टिकल सेंटर हम कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से यहां से डिस्टेंसेस आपने मेजर करनी पड़ेंगे। सो पहला एजम्पशन क्या है, एक तो लेंस थिन लेना है, और दूसरा उसी के साथ और एक पॉइंट है कि आपको डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करनी है। दूसरा एजम्पशन जो हम लेंगे, एपर्चर इसका भी स्मॉल है, इसका भी साइज स्मॉल है, इस लेंस का भी। अच्छा, तीसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज पॉइंट साइज एंड प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट यहां पॉइंट साइज है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, और प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है। सो दीज आर द थ्री एजम्पशन जो आपको याद करने। सो पहला एजम्पशन आपका लेंस थिन होना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर होगी, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, एपर्चर छोटा होना चाहिए, और पॉइंट नंबर थ्री, ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज़ड होना चाहिए और प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करना चाहिए। तो चलिए अब हम इसको डिराइव करते हैं, बड़े आराम से देख लीजिएगा, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से डेराइवेशन होगी। चलिए नाउ, अब हम जब इसको डिराइव करेंगे तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पे एक लेंस लेना है, मैंने एक लेंस लिया, सपोज वी हैव ए लेंस ओवर हियर, हमने एक लेंस बनाया, राइट? ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। यहां हमने एक ऑब्जेक्ट रखना, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर समझो है, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। यहां हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, दिस इज ऑब्जेक्ट ओ ओवर हियर, ठीक है? ऑब्जेक्ट को मैंने रखा, डायग्राम अच्छे से देख लेना ताकि चीजों को समझना आसान हो जाए। अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो यहां से ऑब्जेक्ट से एक रे यहां से निकलेगी, वो ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे जाती है वो डिविएट नहीं होती है, बेंड नहीं होती है, तो वो डायरेक्टली पास होगी, एक रे यहां से पास हो गई। इमेज बनाने के लिए हमें और एक रे भी चाहिए, दूसरी रे भी आपको चाहिए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हमने यहां से एक लाइट रे लानी है, मैंने यहां एक इंसिडेंट रे आ गई। अब मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी, तो यहां पे लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी। ये सपोज मैंने नॉर्मल बनाया, दिस इज द नॉर्मल। अब लाइट जा रही है रेयरर से डेंसर, तो लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो लाइट रे को जाना था सीधा, बट इधर बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड हो गई, ऐसे लाइट रे बेंड हो गई। अच्छा, अगर अगर ये मीडियम कंटिन्यूअस होता, अगर ये लेंस कंटिन्यूअस होता, तो इमेज यहां बन जाती, यहां इमेज बन जाती, तो और बेंडिंग नहीं होती डायरेक्टली ऐसे। अगर ये कंटिन्यूअस मीडियम होता तो ये इमेज यहां बन जाती, तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि सरफेस ने, पहली सरफेस ने इमेज यहां बनाई। सो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका यू है, तो सपोज पहला रिफ्रैक्शन जब हुआ, इमेज जो बन गई वो बन गई वी डैश पे, कहां पे बन गई, वी डैश पे। चलो इसमें भी कोई दिक्कत है नहीं, बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है, लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप अच्छे से बात को आप समझने की कोशिश करिएगा कि सबसे पहले जो आपकी ये जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला, अगर हम इसका जिक्र करते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला का जिक्र करते हैं, तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला एक्चुअली ये है आपकी, ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं, हम लिखते हैं वन बाई एफ इज इक्वल म्यू लेंस बाई म्यू सराउंडिंग माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाय आर टू। ये आपकी लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। म्यू लेंस मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, म्यू एस मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, राइट? और आर वन आर टू जो है ये इन दो सरफेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर से, ये फॉर्मूला हमने डिराइव करनी है। तो हम क्या करेंगे, जब हमने ये फॉर्मूला अब डिराइव करनी है, तो देखिए हमने क्या करना है। सबसे पहली बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमारे पास एक सिंपल सी चीज है जो आप समझेंगे, जब आपने रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस पढ़ी होंगी, मान लो आपके पास एक रिफ्रैक्टिंग सर्फेस है, मैं अभी इस पर वापस आ जाऊंगा, पहले ये समझो, रिफ्रैक्टिंग सर्फेस पर जब रिफ्रैक्शन होता है, सपोज यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू, जब रिफ्रैक्टिंग
सरफेसेस पे रिफ्रैक्शन होता है, तो सपोज ये ऑब्जेक्ट है और यहां बनी इमेज, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन होता है हमारे पास एक फॉर्मूला है, सपोज ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है और ये इमेज डिस्टेंस है वी। एक फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के लिए जो हमने लेंस मेकर उस फॉर्मूला में यूज करना है, और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है म्यू टू, जहां लाइट जा रही है वो म्यू टू में जा रही है, म्यू टू बाई वी, म्यू टू बाई इमेज डिस्टेंस, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, म्यू टू बाई इमेज डिस्टेंस माइनस म्यू वन बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस वाली फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे। तो अगर हम देखेंगे, मान लो इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एल, तो अगर हम समझेंगे कंटिन्यूस मीडियम होगा, चलिए हम ये फॉर्मूला यहां यूज कर लेते हैं। तो हम फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन में लिख रहा हूं, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, जब आपका पहला रिफ्रैक्शन होगा तो वी हैव टू यूज दिस वेरी फॉर्मूला हियर। नाउ व्हाट इज म्यू टू, म्यू टू है जहां लाइट जा रही है, लाइट कहां जा रही है, लेंस में जा रही है, तो म्यू टू के बदले क्या लिखेंगे, म्यू एल, म्यू लेंस, सो कैन आई सिंपली राइट म्यू लेंस डिवाइड बाई इमेज डिस्टेंस, इमेज कहां बनाई, वी डैश पे इमेज बनी, सो इट इज म्यू एल बाई वी डैश माइनस, फिर था म्यू वन जहां से लाइट आ रही थी, म्यू वन ये वाला मीडियम है, म्यू एस सराउंडिंग मीडियम है, तो म्यू वन के बदले हम क्या लिखेंगे, म्यू एस डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज यू, है ना, सो दैट इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। व्हाट इज म्यू टू, म्यू टू है आपका लेंस, म्यू लेंस माइनस म्यू वन है म्यू सराउंडिंग, म्यू लेंस माइनस म्यू सराउंडिंग डिवाइड बाई, सपोज इस वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन है, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, म्यू टू माइनस, सॉरी म्यू टू हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे म्यू लेंस माइनस म्यू सराउंडिंग डिवाइड बाई आर वन। ये आपकी पहली, बस दो इक्वेशंस लिखने, उनको ऐड करना, इतना ही लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेकिन पहली चीजों को समझो। तो ये मैंने इस सरफेस के लिए लिखी है जब यहां रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन असल में ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, अभी भूलेंगे नहीं, म्यू टू होता है जहां रे चली गई, म्यू वन होता है जहां से रे आ रही है, और आर है रेडियस, राइट। तो इसको थोड़ा सा हम इसको इरेज करके ये लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब हमारे पास कहानी थोड़ी चाहिए, मैं फॉर्मूला लिख के रखूंगा, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। अब देखिए यहां पे फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, पहले लाइट गई सराउंडिंग से लेंस में, अब लेंस से वापस बाहर मीडियम में लाइट जा रही है, तो फिर से बेंडिंग होगी। अगर मैं यहां का नॉर्मल ये बनाऊंगा, ये नॉर्मल है, तो लाइट रे विल बेंड, अब ये डेंसर से रेयरर जा रहे, इसको सीधे जाना था, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर जाएगी, यानी नॉर्मल ये था ना, तो इधर की ओर चली जाएगी, यानी यहां बेंड होगी, सो असली में फाइनल इमेज यहां पर बनेगी, तो इस डिस्टेंस को हम नाम देंगे वी, राइट। तो इस डिस्टेंस को हम नाम देंगे भी। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम फिर से यही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन इस सेकंड रिफ्रैक्शन जब होगा, दूसरी बार, सो फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, जो आपका सेकंड रिफ्रैक्शन होगा, फिर से यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे दोस्तों, यही वाली फॉर्मूला, लेकिन म्यू टू अभी होगा म्यू सराउंडिंग, म्यू वन होगा म्यू लेंस, तो क्या लिखेंगे, म्यू टू के बदले क्या लिखेंगे, बिकॉज अब लाइट यहां से यहां जा रही है, सो आई विल राइट म्यू टू, म्यू टू यानी म्यू सराउंडिंग डिवाइड बाई वी इमेज डिस्टेंस, अब की बार इमेज डिस्टेंस, अब जब यहां रिफ्रैक्शन हुआ तो इमेज वी पे बनी वी, तो क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे म्यू एस बाई वी माइनस, अच्छा म्यू वन लेंस वाला, बिकॉज अभी म्यू वन ये है, म्यू टू ये है, म्यू वन के बदले लिखेंगे म्यू लेंस डिवाइड बाई यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस रिफ्रैक्शन के लिए जो ऑलरेडी इमेज बनी थी वही ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू जो आप लेंगे वो क्या लेंगे, वो लेंगे वी डैश के बराबर, सो सिंपली आई विल हैव टू राइट वी डैश दैट इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, म्यू टू है म्यू सराउंडिंग, म्यू वन है म्यू लेंस, तो क्या आएगा, म्यू सराउंडिंग माइनस म्यू लेंस डिवाइड बाई रेडियस कितना है इसका, रेडियस आर टू है। अब बस इन दो इक्वेशन को अगर हम एड कर लेंगे तो खेल खत्म हो जाएगा, बिकॉज ये वाली टर्म कटेगी, आपकी फॉर्मूला डिराइव हो जाएगी, तो अगर हम एड कर लेंगे इनको, जब हम इनको ऐड करेंगे, म्यू एल वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो यहां पे जो है आपको देखने को मिलेगा, यू विल सिंपली हैव टू राइट, तो चलो सारा लिख लेते हैं, म्यू एल बाई वी डैश माइनस म्यू एस बाई यू प्लस म्यू एस बाई वी माइनस म्यू एल बाई वी डैश
दैट इज इक्वल, इनको ऐड कर रहे हैं हम, सो म्यू एल माइनस म्यू एस बाई आर वन प्लस म्यू एस माइनस म्यू एल बाई आर टू। थोड़ा सा इन डेरिवेशन में सब्र रखना है, तब जाके आप अच्छे से एग्जाम्स में अपियर हो जाओगे। तो म्यू एल बाई वी डैश और म्यू एल बाई वी डैश कैंसल हो गया यहां पे, तो यहां हमें क्या देखने को मिलेगा, सो इनको बस ऐड कर लेना है, तो क्या आएगा, ये बनेगा म्यू एस अगर हम कॉमन निकालेंगे, सो वी कैन सिंपली राइट इट एज इट इज म्यू एस, ठीक है, म्यू एस, और यहां पे कॉमन करके 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू आ जाएगा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। और राइट साइड में देखिए यहां से हम माइनस कॉमन निकालेंगे, उससे थोड़ा सिंपल हो जाएगा, म्यू एल माइनस म्यू एस बाई आर वन। सो अगर हम माइनस यहां कॉमन निकालेंगे तो ये फिर से ये प्लस बनेगा, ये माइनस आ जाएगा, तो ये बनेगा म्यू एल माइनस म्यू एस बाई आर टू, राइट। तो बस इसको आप सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा दोस्तों म्यू एस इट इज 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, दैट इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एस, अंदर बचेगा 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू के बराबर। देखिए कितनी सिंपल हो गई, तो यहां पे हम लिखेंगे 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, ये म्यू एस को डिवाइड में लाएंगे, इट इज म्यू लेंस माइनस म्यू सराउंडिंग डिवाइड बाई म्यू सराउंडिंग, साथ में आएगा 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू के बराबर। तो बस इनको अब हम डिवाइड कर लेना है, तो पहले हम लिख लेते हैं इसको अच्छे से नेक्स्ट पेज पे, सो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल म्यू एल माइनस म्यू एस डिवाइड बाई म्यू एस 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। तो ये वाली फॉर्मूला मैंने फिर से एक बार लिख ली, म्यू एल माइनस म्यू एस बाई म्यू एस 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने लिख लिया, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू जो आएगा, कैन आई राइट म्यू एल बाई म्यू एस, तो म्यू एस बाई म्यू एस हमारा 1 हो जाएगा, इट इज 1 बाय आर वन माइनस 1 बाय आर टू। और शायद आप जानते होंगे, वैसे भी हम करते हैं 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू 1 बाई एफ, यानी लेंस फॉर्मूला होती है, या अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे इन्फिनिटी पे, माइनस इन्फिनिटी पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज फोकस में बनती है ना, तो वी एफ के बराबर आएगा, सो वी फोकस के बराबर आएगा, वी इज इक्वल टू एफ। तो यहां पे क्या फॉर्मूला फिर रिड्यूस हो जाएगी, 1 बाई वी के बदले हम लिखेंगे एफ, और ये जीरो बनेगा, 1 बाई इंफिनिटी जीरो हो गया, दैट इज इक्वल टू म्यू लेंस बाई म्यू सराउंडिंग माइनस 1 इंटू 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। तो ये आपकी लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। अब हमने सिंपली क्या किया, इसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू एक बार हो जाए, एक मिनट में थोड़ा सिंपलीफाइड मैनर में। देखिए हमने क्या किया, हमने दो बार रिफ्रैक्शंस ले ली, आराम से सुनिए। तो पहला रिफ्रैक्शन पहली सरफेस पे हो गया, दूसरा रिफ्रैक्शन दूसरी सरफेस पे हो गया। तो रिफ्रैक्शन के लिए हमने ऑलरेडी एक फॉर्मूला बताई थी, जब रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्टिंग मीडिया जब इन्वॉल्व होते हैं, फॉर्मूला है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये आपकी फॉर्मूला, जब आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो पहले रिफ्रैक्शन में आपने यही फॉर्मूला यूज की, लेकिन म्यू टू आपने म्यू लेंस लिया और म्यू वन आपने सराउंडिंग मीडियम लिया, बिकॉज लाइट जो है वो जा रही थी बाहर से सराउंडिंग से लेंस में, तो म्यू टू आपका लेंस हो गया, म्यू वन आपका सराउंडिंग मीडियम हो गया। लेकिन जब आपने दूसरी बार यही फॉर्मूला यूज की सेकंड रिफ्रैक्शन में, अब लाइट जा रही है लेंस से बाहर वाले सराउंडिंग मीडियम में, सो म्यू टू आप लेंगे म्यू सराउंडिंग, म्यू वन लेंगे आप म्यू लेंस। दो इक्वेशंस आएंगी, बस इन दो इक्वेशंस को आपने ऐड करना है, कुछ टर्म्स कैंसिल होंगी, इसके बाद सिंपलीफिकेशन है। तो फाइनली हमारे पास यहां पे लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो है वो डिराइव हो जाती है, राइट। चलिए, तो हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे हमारे, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। दैट इज सिंपली रियल एंड अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। रियल और अपेरेंट डेप्थ क्या चीज होती है, आपने पढ़ा होगा, ये बेसिकली रिफ्रैक्शन के ऊपर एक कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इसमें क्या होता है, इसमें मान लो आप किसी पानी के कंटेनर, आपने कोई पानी का कंटेनर लिया है,
आप इसमें कोई ऑब्जेक्ट डालते हो, लेकिन जब हम ऊपर से देखते हैं या आपने कोई क्वाइन इसमें डाली हुई है, जब हम ऊपर से देखते हैं ये ऑब्जेक्ट हमें थोड़ा सा ऊपर रेजर लगता है, ये लगता है कि थोड़ा ऊपर आया हुआ है, ये रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर आया लग रहा होता है हमें, इसी को कहते हैं अपेरेंट डेप्थ। रियलिटी में ये एक डेप्थ पे था, लेकिन जब हम देखते हैं ये थोड़ा ऊपर आया हुआ लगता है, तो अपेरेंटली हमें लगता है कि ये कम डेप्थ पे है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। तो यहां पे सिखाया, यहां पे एक डायग्राम भी दी गई है। तो यहां अगर हम देखेंगे, देखिए मान लो ऑब्जेक्ट ये रहा, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट ओवर हियर, ये आपका ऑब्जेक्ट है। एक रे इमेज बनाने के लिए दो रेज होनी चाहिए, एक रे उठेगी वो डायरेक्टली पास होगी यहां से दूसरे मीडियम में बिना डायरेक्शन चेंज किए, बिकॉज ये नॉर्मल के अलोंग जा रही है। तो एक रे ऑब्जेक्ट से उठ के यहां चली गई, दूसरी रे यहां से आ रही है लेकिन यहां ये बेंड हो रही है बिकॉज मीडियम चेंज हो रहा है। अरे लाइट जा रही है ना डेंसर से रियरर, तो लाइट जब डेंसर से रियरर जाएगी ऑब्वियसली इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो लाइट जा रही है डेंसर से रियरर की ओर, ये नॉर्मल इधर है, इसको जाना था सीधा, बट इधर की ओर बेंड होती है, ऐसे बेंड होती। तो ऑब्जर्वर जो यहां ये आंख वाला है, ऑब्जर्वर जो देख रहा है, इसको नहीं लग रहा है कि लाइट यहां से आ रही है, इसको लगेगा कि लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट पाथ से। तो इस ऑब्जर्वर के लिए लाइट यहां से आई, तो इस ऑब्जर्वर के लिए इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनी, यानी ऑब्जेक्ट रियलिटी में यहां था लेकिन ऑब्जर्वर को लगता है कि यह थोड़ा ऊपर है। तो इसी के लिए अगर रियल डेप्थ आपकी, मान लो रियल डेप्थ अगर आप डी रख रहे हो, सपोज डी इज द रियल डेप्थ, और अपेरेंट डेप्थ आप सपोज डी डैश ले रहे हो, एक छोटी सी फॉर्मूला है डिराइव करते हैं दो मिनट्स में, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डी एंड डी डैश। मान लो ये नीचे वाला मीडियम जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू। Now, can you use Snell's law at this very point? Questions में आपने बड़ा exhaustive course classroom पढ़ा हुआ है, अपने questions भी बहुत किए, लेकिन आज ये board का matter है, तो इसको चीज़ों को अच्छे से understand कर लो। तो यहाँ से यहाँ जो है, अब अगर हम use करेंगे Snell's law, if you use Snell's law तो क्या आएगा, mu one sin i, यहाँ पे मैं Snell's law use कर रहा हूँ, mu one sin i equal to mu two sin r. So, if I use Snell's law here, mu 1 sin i is equal to mu 2 sin r के बराबर। बड़ा सिंपल है, तीन स्टेप्स में हो जाएगा, तीन स्टेप्स में हो जाएगा, mu 1 sin i equal to mu 2 sin r। बट अगर हम देखेंगे, देखिए अगर ये i है तो ये भी i होगा, बिकॉज दो पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल है, तो ये वाले इंटीरियर एंगल जो आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे, तो अगर ये आए हैं ये भी आए होगा, अगर ये आर है तो ये भी आर है, बिकॉज पैरेलल लाइंस है और ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ये अगर आर है ये भी आर होगा, ऑटोमेटिकली ये वाला भी आपका आर होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे, आराम से देख लीजिए आप, ये अगर आर है तो ये भी आर होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो अगर ये आर है तो ये भी आर आपका होगा। सो अगर ये आई है ये आर है, ये आई है ये आर होगा। अब बस हम क्या करेंगे, आप ऑब्जर्वर तो यहां नहीं होगा ना, ऑब्जर्वर थोड़ा नजदीक होता है, ये रे जो हमने थोड़ी दूर दिखाई है ये नजदीक यहां एक्चुअली पड़ती है, तो इस बिना पे ये लाइन और ये लाइन के डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम हम ले सकते हैं, या डायरेक्टली हम वैसे भी नहीं करना चाहेंगे, हम लिख सकते हैं एंगल स्मॉल है, स्मॉल एंगल्स के लिए हमने अभी अभी पढ़ा, I के बदले tan I, R के बदले tan R, तो यूज कर लेते हैं। तो बताइए क्या मिलेगा, म्यू वन, शबाश, म्यू वन इंटू साइन I, म्यू वन इंटू साइन I के बदले लिखेंगे tan I, दैट इज म्यू टू इंटू साइन R के बदले लिखेंगे tan R, सो इट इज tan R। तो बताइए म्यू वन व्हाट इज नाउ tan I इक्वल टू, अगर हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे tan I आएगा, परपेंडिकुलर ये है, दिस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है आपका, परपेंडिकुलर सपोज एक्स लेंगे, सो टेन आई होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है एक्स, एंड व्हाट इज बेस, एंड बेस जो आपकी बनी बेस है ये डी, ये सारी डी आपने रखी है ना, ये ट्राइंगल में टेन आई आएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी एक्स बाई डी के बराबर, सो एक्स बाई डी यू कैन सिंपली राइट एक्स बाई डी। और यहां पे क्या मिलेगा, इट इज म्यू टू टेन आर, म्यू टू आपका म्यू टू ही है, एंड व्हाट इज टेन आर, ये वाले ट्राइंगल में टेन आर यूज कर ले, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी एक्स बाई डी डैश, सो टेन आर के बदले आएगा एक्स बाई डी डैश, बस हो गया खत्म, सवाल खत्म हो गया उसी के साथ। अगर हम देखेंगे एक्स को एक्स के साथ कैंसिल, so I can simply write mu 1 by d is equal to mu 2 by d dash, yani jo aapki apparent depth hoti hai d dash ye hota hai barabar mu 2 by mu 1 into real depth। to rat lo is formula ko derive bhi ho gaya, kuch bhi nahi karna hai, bas Snell's law lagana hai,
यहां पे स्नेल्ज़ लगाना है, ये आई है तो ये भी आई रखो, ये आर तो ये भी आर रखो। सो स्नेल्ज़ जब आप लगाएंगे तो फिर साइन आई के बदले टैन आई लिखो, साइन आर के बदले टैन आर लिखो, खत्म कर लो सबको, एक्स एक्स कटेगा तो यहां पे डी डैश आएगा म्यू टू बाई म्यू वन इंटू डी। तो अगर हम सिंपली अब हम देखेंगे, अब मान लो लेटर सपोज ये ईयर है, सपोज ये ऊपर वाला मीडियम जो है ये आपका ईयर है, अगर ये ईयर है, ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वन, तो म्यू टू आप वन लेंगे, सो व्हाट इज डी डैश इक्वल टू, डी डैश आएगा डी बाई म्यू वन के बराबर, यानी अपेरेंट, इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है, अपेरेंट डेप्थ जो होती है, अपेरेंट डेप्थ ये वाली डेप्थ जो होती है ये होता है रियल डेप्थ डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस डेंसर मीडियम, खत्म सवाल। सो आई होप कि आज के तीन टॉपिक्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझे होंगे। कितने टॉपिक्स मैंने पढ़ाए? तीन टॉपिक्स। पहला टॉपिक हमने पढ़ा मिरर फॉर्मूला, दूसरा टॉपिक हमने जो पढ़ा दैट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लो। लेंस मेकर्स फॉर्मूला बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, तो इनको अच्छे से एनालाइज कर लो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।